मध्य प्रदेश के मौसम समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर रोजाना मौसम अपडेट देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके जिले का भी मौसम अपडेट हम देख सकें। वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है तो अंत तक इसे जरूर देखें। चलिए जानते हैं आने वाले दो दिन मध्य प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है, यानी कि मध्य प्रदेश में आने वाले दो दिन कहां पर बारिश होगी, कहां पर बारिश नहीं होगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं प्रदेश का तापमान, यानी कि प्रदेश के कौन से हिस्से में तापमान ज़्यादा बना हुआ है, कहां पर तापमान कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान सामान्य रिकॉर्ड किया जा रहा है। कई जिलों में बारिश के बाद तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई है और लोगों को ठंडक का एहसास हो रहा है। गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि बारिश होगी, जिसके चलते तापमान में और भी ज़्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। आइए अब जानते हैं कि कहाँ पर बारिश होगी। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 7 जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जिन 7 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है उसमें उज्जैन, सीहोर, धार, हरदा, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर शामिल हैं। यानी कि इन 7 जिलों में उज्जैन, सीहोर, धार, हरदा, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर में आने वाले 24 घंटे के दौरान काफ़ी तेज़ बारिश होगी और यहां पर 4.5 इंच तक की भारी बारिश हो सकती है। तो कुल मिलाकर भारी से भारी बारिश इन 7 जिलों में होने वाली है। तो वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल और ग्वालियर, चंबल की बात करें तो यहाँ पर बिजली गिरने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 27 सितंबर से एक कम दबाव का सिस्टम बन रहा है, जिसके चलते प्रदेश भर में अच्छी खासी बारिश होगी और अक्टूबर के पहले सप्ताह तक हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी और अगले 24 घंटे के अंदर शहडोल, ग्वालियर, चंबल संभाग में रिमझिम बारिश हो सकती है और ये सिलसिला जो है वो 2 से 3 दिन तक जारी रहेगा। यानी कि उज्जैन, सीहोर, धार, हरदा, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर में भारी बारिश, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, ग्वालियर, चंबल में बिजली गिरने की आशंका है। इसके अलावा शहडोल संभाग में भी बारिश हो सकती है। आइए जानते हैं कि कहां पर बीते 24 घंटे के दौरान बारिश हुई है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। 20 जिलों में बारिश रिकॉर्ड की गई। इसमें सतना में सबसे ज़्यादा 2 इंच बारिश हुई। होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में भी 2 इंच के करीब बारिश हुई। इसके अलावा धार, बैतूल, ग्वालियर, दमोह, नरसिंहपुर, रीवा, भोपाल, खंडवा, इंदौर, रतलाम, छिंदवाड़ा, सागर, सीधी, मंडला, शाजापुर, जबलपुर, उज्जैन, छतरपुर जिलों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां पर भी शुक्रवार को 20 मिनट तक तेज़ बारिश हुई। शनिवार दोपहर को भी शहर के कुछ इलाकों में बारिश हुई है। साथ ही आपको बता देते हैं कि सतना में 47.4 मिलीमीटर बारिश हुई, पचमढ़ी में 43 मिलीमीटर, मलाजखंड में 25 मिलीमीटर, धार में 19.9 मिलीमीटर, बैतूल में 18 मिलीमीटर, सतना में 17.8 मिलीमीटर बारिश हुई, दमोह में 17 मिलीमीटर बारिश हुई, नरसिंहपुर में 16, रीवा में 10.6 मिलीमीटर बारिश हुई, भोपाल में 9.8 मिलीमीटर बारिश हुई, खंडवा में 9 मिलीमीटर, इंदौर में 8.4 मिलीमीटर, दतिया में भी 8.4 मिलीमीटर बारिश हुई, रतलाम में 6, छिंदवाड़ा में 1.8, सागर में भी 1.8 मिलीमीटर बारिश हुई और सीधी में 1.2, मंडला में 0.2 मिलीमीटर बारिश हुई। तो कुल मिलाकर अच्छी खासी बारिश हुई। वहीं आपको बता दें कि बारिश के बाद कुछ ज़िले रेड जोन में थे जो अब ग्रीन जोन में आ गए हैं। इसमें धार, खरगोन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, दमोह, पन्ना, कटनी, जबलपुर, सिवनी और बालाघाट थे। यहाँ पर सामान्य बारिश का आंकड़ा पूरा हो चुका है। नीमच, राजगढ़, आगर, विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर और भिंड ऐसे जिले हैं जहाँ पर सामान्य से अधिक बारिश हुई है। वहीं चलिए जानते हैं मौसम विभाग का क्या कहना है। तो मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश पर एक सिस्टम एक्टिव है। पाकिस्तान में एक चक्रवाती तूफान आ रहा है और साथ ही आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवाती तूफान उठा है।
अरब सागर में पाकिस्तान के पास एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है ये, और साथ ही जो मानसून ट्रफ है वो इंदौर से होकर गुजर रहा है। कुल मिलाकर ये वेदर सिस्टम एक्टिव हैं जिसके चलते मध्य प्रदेश में 4-5 दिनों तक रुक रुक कर बारिश का सिलसिला बना हुआ है। इस दौरान इंदौर होशंगाबाद संभाग में भारी से भारी बारिश हो सकती है। बाकी सभी जिलों में मौसम पहले की तरह सामान्य रहेगा। हर दिन मौसम से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।